करते हैं तो हम सबसे पहले बिफोर हैंड उसका रफ करता है, डिटेल एस्टीमेट नहीं, रफ एस्टीमेट, रफ एस्टीमेट या अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट उसका हम बिफोर कंस्ट्रक्शन उसका एक अंदाजा लगाते हैं, तो वो होता है रफ कॉस्ट एस्टीमेट। अब ये क्यों करा जाता है, जनरली जो होता है कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले अंदाजा लिया जाता है, एस्टीमेट लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, सिमिलर बिल्डिंग्स, सपोज कर लो एक कंस्ट्रक्शन आपने यहाँ करनी है कहीं करनी है, उसके जैसी ही सिमिलर सिमिलर एरिया में कहीं पे और कंस्ट्रक्शन हुई है सेम स्पेसिफिकेशन से, तो हम उससे अंदाजा ले सकते हैं कि इसका जो हमने कंस्ट्रक्शन करनी है उसका कितना खर्चा आ जाएगा। ठीक है, वो चीज जो सी होती है वो रफ कॉस्ट एस्टिमेट के अंदर गिनी जाती है, या इसे हम प्रिलिमिनरी एस्टिमेट भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। अगर बुक की बात करो तो बुक में क्या लिखा है, बुक में लिखा है दिस टाइप ऑफ एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये एस्टिमेट क्यों बनाया जाता है, ये बनाया जाता है ताकि आपको फाइनेंस के बारे में पता हो, फाइनेंशियल पोजीशन खर्चा कितना होना है, और ताकि आप उसको अपने डिपार्टमेंट से जो भी आपके सुपरवाइजर है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उससे सैंक्शन करा सको कि इस कंस्ट्रक्शन को इतना खर्चा होना है, पहले सैंक्शन लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता हर चीज का प्रॉपर प्रोसीजर होता है, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेनी पड़ती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, मतलब आपके जो जो आपके अफसर हैं आपने उनसे सैंक्शन लेनी पड़ती है, अप्रूवल करानी पड़ती है कि इतना खर्चा होना है, तो उसका एक जो प्रिलिमिनरी कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसका प्रिलिमिनरी कॉस्ट निकालने के लिए जो सा एस्टिमेट बनाया जाता है रफ, उसको बोलते हैं रफ कॉस्ट एस्टिमेट। अब ये एस्टिमेट में क्या होता है, इसके अंदर कॉस्ट, लैंड की कॉस्ट भी आ जाती है, कभी कभी बिल्डिंग की कॉस्ट भी आ जाती है, कोई रोड आ गई रोड की कॉस्ट भी आ जाती है, सैनिटरी भी आ जाती है, पर डिटेल नहीं आती। ये जो सी कॉस्ट होती है ये जस्ट रफ अंदाजा होता है, ये अप्रोक्सीमेट प्रिलिमिनरी कॉस्ट होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके जब ये एस्टिमेट बनाया जाता है तो इसके साथ क्या लगता है, इसके साथ ये रिपोर्ट भी लगती है कि हम प्रोजेक्ट क्यों बनाना चाहते हैं, और साथ में हर चीज की जो सी है जोनसी हर जो कंस्ट्रक्शन होनी है, हर जो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन फीचर्स हैं उसकी अलग अलग अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैलकुलेट करी जाती है साइट प्लान के साथ, प्लान ड्राइंग के साथ। तो ये जो ऐसा एस्टिमेट होता है ये प्रैक्टिकल नॉलेज से ही बना लिया जाता है। कैसे बनाया जाता है, कुछ सिमिलर वर्क हुआ है तो उसके हिसाब से ही रफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट तैयार कर लिया जाता है। अब सपोज कर लो अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का पर बेड के ऊपर एस्टिमेट बना लिया जाता है कि पर बेड इतना खर्चा आएगा। हम बोलते हैं 100 बेड हॉस्पिटल, हम बोलते हैं 150 बेड हॉस्पिटल, हम बोलते हैं 20 बेड हॉस्पिटल, बोलते हैं ना, है ना? हाँ जी। पर बेड के रूप में पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डाल दी जाती है, तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हो गया। या अगर आप स्कूल में तो स्कूल में अगर आप पर स्टूडेंट के हिसाब से कर सकते हो, अगर आप थिएटर में बैठे हो सिनेमा में बैठे हो सिनेमा हॉल में तो पर सीट के हिसाब से हो गया, अगर आप अपनी बिल्डिंग कोई बना रहे हो तो प्लेंथ एरिया के बेस के ऊपर हो गया, रोड पर किलोमीटर के हिसाब से हो गया कि इतने किलो एक किलोमीटर का खर्चा तो इतना आएगा, हिसाब लगा लो अप्रोक्सीमेट कि कितने किलोमीटर बनानी है तो उस हिसाब से इतना टोटल खर्चा आएगा। तो इस तरीके से जो से ये होते हैं हाईवे हो गए तो ये भी जो है पर किलोमीटर के हिसाब से, तो ये जो रफ कॉस्ट एस्टिमेट होते हैं ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होते हैं, ये जस्ट आपको फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर कर देते हैं ताकि आप उतना अपना खर्चा बना के टेक्निकल अप्रूवल ले सको अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, मतलब कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, मतलब जो आपसे ऊपर है जो कि सैंक्शन प्रोवाइड करते हैं अफसर, उनसे आप अपनी सैंक्शन ले सको, अप्रूवल करा सको कि कितना खर्चा आएगा इस काम को करने के लिए, उसके लिए जो आंसर है ये एस्टिमेट तैयार करे जाते हैं। क्लियर है ये? हाँ जी सर। तो अब ये अगर हम इसकी बात करें, अभी हमारे पास टाइम है, ये आपको एक न्यूमेरिकल से समझ आएगा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैसे किया जाता है, सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल करा दूं मैं? करा दो सर जी, करा दो। हाँ जी करा दो, करा दो, करा दो, करा दो। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्योंकि अभी 20 मिनट पड़े हैं, के कर ले न्यूमेरिकल एक ये सर, हो सकता 20 मिनट तक कर लेने। हाँ हाँ, ये सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है, आज तो हम ये इंट्रोडक्शन का भी पहला ही टॉपिक है, ये तो चार लाइनों में हो जाएगा। करा दो, करता दो, करा दो सर जी। बाकी बच्चे भी बैठे हैं बहुत स्मार्ट, एक न्यूमेरिकल कर लें आज। यस सर, करा दो सर, करा दो सर, करा दो। सुमन देखो, मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ये सारी सिलेबस की चीजें हैं,
और ये सारी जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना, अगर आप इतना भी पढ़ लोगे तो आपके 75 में से 70 नंबर कहीं नहीं जा रहे। अगर आपने 75 में से 75 नंबर लेने हैं तो फिर आप और डिटेल में आप अपनी सेल्फ स्टडी करो, और जब कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे जब मर्जी पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ जी सर। तो अब हम स्टूडेंट, अब हम क्या कहते हैं, देखो ये कोई बात नहीं है, ये सब्जेक्ट बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, समझने की बात है बस। जिसको समझ लग गया उसका सब्जेक्ट निकल गया, जिसको नहीं समझ लगा उसका नहीं निकलेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये समझ नहीं लगता, सबसे सिंपल है तरीका आना चाहिए बस इसको करने का, ठीक है? अब मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, अब न्यूमेरिकल जैसे मैं क्लास में कराता हूँ वैसे ही कराऊंगा आपको। चलो फिर ये न्यूमेरिकल करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है कल्ला कल्ला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इस तरह का न्यूमेरिकल। अब आप कहोगे कि पहले दिन ही सर कह रहे, इस तरह का न्यूमेरिकल भी कभी कभी फाइनल पेपर में आएंगे अगर बहुत सिंपल पेपर आ जाए, ठीक है? ठीक है, हाँ जी। यस सर। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ ए पॉश बिल्डिंग। हमने प्रिलिमिनरी एस्टिमेट निकालना है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ पॉश बिल्डिंग। पॉश बिल्डिंग क्या होती है? बिल्डिंग वो कितना गिवन है, ये छोटा आपको दिखेगा, आप अपना भी बार-बार मिटा पड़ेगा। सर 1650 स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर सर, 1650 स्क्वायर मीटर। ये क्या लिखा है? प्लेंथ एरिया 1650 स्क्वायर मीटर। प्लेंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग कितना गिवन है? 1650 स्क्वायर मीटर। एक बात, स्क्वायर मीटर एक इम्पोर्टेंट बात, ये मैंने क्या लिखा, ये क्या लिखा मैंने, मीटर स्क्वायर। सारे बताओ ये मैंने क्या लिखा, ये पढ़ के बताओ। मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया मीटर में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है ना। हाँ जी सर, मीटर स्क्वायर लिखा है क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, मीटर में नहीं होता। स्टूडेंट जब आपने इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 1650 स्क्वायर मीटर। हाँ जी ठीक है। हाँ जी मीटर स्क्वायर कोई इसमें गलत नहीं है, पर तरीका ये है इसको ऐसे पढ़ना है 1650 स्क्वायर मीटर, ठीक है? ओके सर। अगर ये लिखा हो तो फिर आप इसको कैसे पढ़ोगे, क्यूबिक मीटर स्क्वायर होगा सर। पर इसको हम पढ़ेंगे क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब नहीं, ठीक है? ठीक है